नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की कड़वी सच्चाई के बारे में। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग से मोटा पैसा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। तो बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका अपना खुद का कोई वजूद नहीं होता है। वह हमेशा किसी FNO स्टॉक्स या इंडेक्स से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो जब बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर या नीचे होता है तब बैंक निफ्टी के ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस भी ऊपर नीचे होता है। वहीं जब आप किसी पार्टिकुलर स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो जब वह पार्टिकुलर स्टॉक का प्राइस मूव करता है तब आपका ऑप्शन का प्रीमियम भी मूव करता है। इसीलिए हमने कहा कि इसका अपना खुद का कोई वजूद नहीं होता है, यह हमेशा किसी स्टॉक्स या इंडेक्स से कोरिलेटेड होता है। बेसिकली दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग हेजिंग करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल ऑलमोस्ट सारे रिटेल ट्रेडर इस ऑप्शन में ही बाय सेल करके ट्रेड करने लगे हैं। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन को सी और पुट ऑप्शन को पी कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तब आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, और वहीं जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तब आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। और हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा लॉट में होता है। हर एक इंडेक्स का, हर एक स्टॉक का खुद का लॉट साइज होता है। उस इंडेक्स के, उस स्टॉक के लॉट साइज में जितना भी क्वांटिटी आएगा आपको उतना क्वांटिटी बाय करना पड़ेगा। अगर आपको उससे ज़्यादा बाय करना है तो उसके मल्टीपल में बाय करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अभी निफ्टी 50 का लॉट साइज है 25 का, यानी कि आपको कम से कम 25 क्वांटिटी बाय करना पड़ेगा, यानी कि एक लॉट। अगर आप इससे ज़्यादा बाय करना चाहते हैं तब आप 25 के मल्टीपल में बाय करेंगे। मान लीजिए आपको 10 लॉट बाय करना है तो आपको 250 क्वांटिटी बाय करना होगा। आप 220 क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते हैं, आप 225 कर सकते हैं, 250 कर सकते हैं, 275 कर सकते हैं, लेकिन आप 280 क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा लॉट में होता है और हर एक इंडेक्स का, हर एक स्टॉक्स का अपना अलॉट साइज होता है। जैसे कि निफ्टी 50 का अभी 25 है, बैंक निफ्टी का 15 है, एंड सारे स्टॉक का अलग अलग होता है। तो अभी हम ऑप्शन ट्रेडिंग के रिस्क और रिवार्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग वेरी हाई रिस्क और हाई रिवार्ड ट्रेडिंग है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में, खासकर ऑप्शन बाइंग में, आप जितना भी पैसा लगाएंगे उतना पैसा जीरो हो सकता है, यानी कि सारा पैसा आपका डूब सकता है। और वहीं ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट का कोई भी लिमिट नहीं होता। आपका पैसा 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, इवन 100 गुना तक भी होता है, बट यह रेयर केस में होता है। रियल में अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे तो आई थिंक आप इजीली 10-20% का रिटर्न डेली बना सकते हैं। लेकिन मार्केट में 2-4 साल देने के बाद, ऐसा नहीं कि आप मार्केट में आए, ट्रेड करने लगे एंड डेली आपको 10-20% का रिटर्न आने लगा, ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा, तब आपको प्रॉफिट होगा। तो अब हम ऑप्शन ट्रेडिंग में लगने वाले ब्रोकरेज एंड चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने में बहुत सारे चार्जेस एंड ब्रोकरेज लगते हैं। अगर आप एक लॉट में भी ट्रेड करते हैं, अगर आप एक लॉट बाय करते हैं फिर उसे सेल करते हैं, तब आपको कम से कम 50 से 60 रुपये का चार्जेज एंड ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और वह 50-60 रुपये के प्रॉफिट में अपना ट्रेड कट कर देते हैं एंड बाद में देखते हैं कि ओवरऑल वह लॉस में है या तो ब्रेक इवन पे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर में आपको 20 रुपीज का ब्रोकरेज पर ऑर्डर देना होता है। तो अब हम ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंडिया में जितने भी टॉप स्टॉक ब्रोकर हैं उनका चार्जेज ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इंडिया में अभी तक जितने भी स्टॉक ब्रोकर हैं ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स ऑप्शन ट्रेडिंग का फीचर प्रोवाइड करता है।
मैं पर्सनली जीरोधा एंड अपस्टॉक्स यूज करता हूँ, क्योंकि जीरोधा एंड अपस्टॉक इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक ब्रोकर में से एक है। ऑलमोस्ट 50-60% रिटेल ट्रेडर जीरोधा का ही यूज करते हैं, और वहीं अपस्टॉक रतन टाटा फंडेड कंपनी है, तो ट्रस्ट का तो कोई इश्यू ही नहीं है। एंड अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, एंड साथ ही आपको अपस्टॉक में लाइफ टाइम अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना होगा। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आज ही अपना डीमैट अकाउंट इन दोनों स्टॉक ब्रोकर में खोल लीजिए। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जिसमें भी चाहे अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।